नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हम बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, हमें बताना है कि एहोल प्रशस्ति का जो रचयिता है, जिसको हम कहते हैं रवि कीर्ति, और ये रवि कीर्ति हैं या किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। इसके लिए ऑप्शन एक है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य प्रथम, और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वह पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो जो रवि कीर्ति थे यह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, और रवि कीर्ति ने ही एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। ठीक है, तो इतना आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर एहोल, एक शब्द आया है एहोल, तो यह कर्नाटक राज्य में बादामी के निकट एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, जिसको कि हम एहोल के नाम से जानते हैं। और जो एहोल प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो रवि कीर्ति ने जो रचना की है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि रवि कीर्ति जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ेंगे कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा चालुक्य शासक है जिसने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक थे हर्षवर्धन, इसको नर्मदा के तट पर परास्त किया था। इसके लिए ऑप्शन एक है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य प्रथम, और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वह पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय एक ऐसा शासक था जो कि चालुक्य शासक था, जिसने कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया। और जब इस युद्ध में हर्षवर्धन को परास्त किया, तो पुलकेशिन द्वितीय की गौरव में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। और इसी जीत के बाद जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसने अपने आप को परमेश्वर और दक्षिणापतेश्वर की उपाधियां धारण कर ली थी। कौन सी? परमेश्वर और दक्षिणापतेश्वर। आगे बढ़ेंगे कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा हमें बताना है कि कौन था। इसके लिए ऑप्शन है राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, और ऑप्शन डी विक्रम चोल। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम एक ऐसे चोल शासक हुए जो जिन्होंने कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ेंगे कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, पहाड़ी को काटा और एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है कदम्ब ने, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन सी है चोल ने, और ऑप्शन डी है चेर ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है राष्ट्रकूट ने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट ने पहाड़ी को काटा और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अब राष्ट्रकूटों ने तो करवाया, लेकिन किस राजा ने करवाया? तो उस राजा का नाम था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है आदित्य प्रथम ने, ऑप्शन बी है राजा प्रथम ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम ने, और ऑप्शन डी है करिकाल प्रथम ने। तो इसका जो सही आंसर है वह राजा प्रथम ने। ठीक है, तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजा प्रथम ने। अगर हम बात करें तंजौर की, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है यह मंदिर। और जो बृहदेश्वर मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर है, और भगवान शिव को समर्पित है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि ये बनवाया था राज राजा प्रथम ने, इसलिए इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। तंजौर में स्थित है। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। वह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी बना? ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर बना ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है तंजौर, ऑप्शन सी है मदुरई और ऑप्शन डी है त्रिचिरापल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वह है तंजौर। ठीक है, तो तंजौर एक ऐसा शहर है जो कि चोल राजाओं की राजधानी बना। आगे बढ़ेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है बाकाटक और ऑप्शन डी है सातवाहन। तो इसका जो सही आंसर है वह है चालुक्य। ठीक है, तो चालुक्य राजाओं ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। अब विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा के कंधमाल जिला में स्थित है। ठीक है, और जो विरूपाक्ष मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो यह भी आपको याद रखना है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये थे कल्याणी के चालुक्य। कौन चालुक्य थे? कल्याणी के चालुक्य राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ेंगे कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? ठीक है, जो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली है इस मंदिर यह इसका विकास किस राजवंश के समय में हुआ ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है पल्लव। ठीक है, तो पल्लव राजवंश के समय ही और जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है इसका विकास हुआ। अब इस शैली में बने हुए मंदिरों के कुछ नाम अगर पूछे जाएं तो इसमें कांचीपुरम, महाबलीपुरम और तंजौर। ठीक है, तो यह द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर। आगे बढ़ेंगे कि चोल कालीन तमिल साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो चोल काल में जो तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे उस त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है ये हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है कुंबन, ऑप्शन बी है कुट्टन, ऑप्शन सी है पुगलैंदी और ऑप्शन डी है जयगोंदर। तो इसका जो सही आंसर है वह है जय गोंदर। ठीक है, तो जय गोंदर जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्न में नहीं है, जबकि कुट्टन और कम्बन और पुगलैंदी ये तीनों क्या हैं? तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि किसने ऋग्वेद दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ठीक है, ऋग्वेद दीपिका जिसको कि ऋग्वेद पर टीका कहते हैं इसकी रचना किसने की यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है कुंबन, ऑप्शन बी है कुट्टन, ऑप्शन सी है पुगलैंदी और ऑप्शन डी है वेंकट माधव। तो इसका जो सही आंसर है वह है वेंकट माधव। ठीक है, वेंकट माधव ने ऋग्वेद दीपिका या इसी को बोलते हैं ऋग्वेद पर टीका इसकी रचना की। तो यह आपको याद रखना हो। यह तो तीनों आ गए कौन? ये आ गए तमिल साहित्य के त्रिरत्न कुम्मन, कुट्टन और पुगलैंदी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।